विधानसभा चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है और यही वजह कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार एमपी के दौरे पर बीजेपी की नब्ज को टटोलने का काम कर रहे हैं। वो आज कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के जुन्नार देव में गरजे तो कल रीवा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो रीवा और शहडोल संभाग के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने विंध्य की 30 में से 24 सीटें जीती थी और ये माना जा रहा है कि अमित शाह बीजेपी नेताओं को कब्जा बरकरार रखने के साथ ही सभी 30 सीटें जीतने का मंत्र भी दे सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में लगा है। एसपी विवेक सिंह खुद जो है पूरी बातों की समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं व्यवस्था को। जैसा कि ये प्रोटेक्टिव स्पेशल प्रोटेक्टिव में आते हैं यूनियन होम मिनिस्टर जी, और जिसको लेके पूरा पुलिस बल इसमें लगा है, हमें बाहर से भी अधिकारी और फोर्स मिला हुआ है, और जिसको लेके हम पूरा जो भी आवश्यक सुरक्षा संबंधी बंदोबस्त है वो पूरा इसमें मेंटेन किया गया है। और साथ ही साथ रीवा के नागरिकों से भी इसमें ये अपेक्षित है और अपील है कि कुछ समय के लिए उनकी सुविधा के लिए कुछ मार्गों को हम डाइवर्ट करके रखेंगे, उसके संबंध में भी अभी न्यूज़पेपर वगैरह में भी बताया जाएगा।